गाय की हिसाब से कुछ ज्यादा बड़े बड़े सींग नहीं है। सेकंड लेट हो गए, हमारे सामने फाटक बंद हुआ है। दाल मखनी में इतना घी नहीं है जितना महेश भाई के पराठों में। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निशान। तो गाइस, मैं अभी निकलने वाला हूं यहां से और अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं। आज थोड़ा लेट हो गए हैं, रात को लेट सोए थे, पैकिंग में बहुत देर लग गई। निकलते हैं, मौसम एकदम बाहर बिल्कुल साफ है। सामान वामान हमारा सारा पैक हो चुका है, टैंक बैग का कवर नहीं मिल रहा है यार। तो देखो कैसे पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है, सामान इधर उधर तितर बितर हो रहा है। तो अपन निकल रहे हैं और निकलने से पहले हो गया पोपट। इस बाइक का सैडल स्टे निकला हुआ है। अब सैडल स्टे निकला हुआ है तो मतलब सैडल बैग नहीं लग सकता, तो मैंने ये वाला बैग डाल दिया। जल्दी जल्दी में सारा सामान शिफ्ट किया है। बाइक इज़ फाइनली रेडी, चलते हैं। बाय। ठीक है मम्मी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार, सैडल स्टे नहीं लगा हुआ बाइक में और मैं भूल गया यार, मुझे टेल बैग रखना पड़ा। और अभी मेरी ना हालत ख़राब हो गई, स्टार्ट होने से पहले ही गर्मी लग रही है इतनी ज़ोर से। भाई साहब, सुबह सुबह ट्रैफिक बढ़ गया भाई, अब तो और जाम लगेगा यार रास्ता में। सुबह सुबह इतनी भीड़ होती है भाई, मुझे जल्दी निकलना चाहिए था यार। अंकल जी 28 सेकंड बचा के क्या कर लेंगे, मतलब इतनी आगे जाने की क्या ज़रूरत है, निकल जाने दो। ये देखो रॉन्ग साइड आ रहे हैं, कहीं से भी कोई भी घुस रहा है। किसी ने भी रेड लाइट का वेट नहीं किया सिवाय मेरे। यार भजनपुरा में भी जाम लगा होगा आज तो सुबह सुबह। तो सर्विस सेंटर वालों ने ओडोमीटर का वायर ही नहीं लगाया भाई, और अभी 0 स्पीड दिखा रहा है। कोई नहीं, बाइक तो चल रही है, बाइक चलने से मतलब है। अभी तक की राइड में मजा आ गया। XBHP के साथ ये राइड जो मैं हिमालयन पे कर रहा हूँ, C8 के न्यू ग्रिप XL प्लस टायर्स के साथ हिमालयन जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। एंगुलर ब्लॉक पैटर्न के डिजाइन के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल काफी अच्छा है, रोड पर पकड़ काफी मजबूत है, उसकी पूरी फील आ रही है। तो C8 के ग्रिप XL प्लस टायर्स के साथ अभी तक की राइड काफी कम्फर्टेबल रही है। यार झंडा कितना प्यारा लग रहा है ना अपना लहराता हुआ, लेकिन उसके सामने इन्होंने कचड़े का पहाड़ बना रखा है यार। तो मैं पहुंच गया हूँ मूर्थल, और ये है भाई मूर्थल। यहाँ पर जो है ना इतने ढाबे हैं, आप कह सकते हो यहाँ पर ढाबों का शॉपिंग मॉल बना हुआ है। और ये आ गया द ग्रेट खली ढाबा, जस्ट 60 मिनट ड्राइव। 60 मिनट कहाँ पहुँचेंगे हम, कुरुक्षेत्र। ग्रेट खली का ढाबा जाऊँगा एक दिन, इसमें भी सोलो राइड करेंगे किस दिन। अच्छा ये बात तो बताना भूल ही गया, मैं सोलो राइड नहीं कर रहा हूँ भाई, अभी अपने को महेश भाई मिलने वाले रास्ते में। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं द कनक ढाबा पे, और महेश भाई भी आ चुके हैं। बहुत लेट कर दिया इन्होंने, 9 बजा दिए और मैं तो लेट हुआ, ये मुझसे भी ज़्यादा लेट है और अब हंस रहे हैं। और यहाँ पर धूप हो चुकी है बहुत ज़्यादा तेज़, तो अभी हमारी वाट लगने वाली है रोड पर गर्मी से। लेकिन हम आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि माउंटेन्स में पहुंचने के बाद जो है मौसम ज़बरदस्त मिलने वाला है, और बारिश वारिश भी मिल सकती है क्योंकि फोरकास्ट तो कुछ कुछ वैसा ही है। बाकी देखते हैं, चाय टिका के यहाँ से आगे बढ़ते हैं भाई। चाय तो 2 टिका चुके हैं भाई, हम निकलते हैं एक के साथ एक, और अभी निकलते हैं। ओ भाई साहब, इनके सींग देखो खतरनाक है भाई। गाय की हिसाब से कुछ ज़्यादा बड़े बड़े सींग नहीं है। महेश भाई कौन सी गाय है ये, कौन सी गाय है ये, देसी गाय है। कौन सी, थार पार्कर? थार पार्कर नहीं, देसी गाय होती है। नाम क्या है देसी? देसी गाय 10 तरह की आती है भाई, कहना चाह रहे हो ना। हाँ अलग गाय होती है, आप सुनना चाह रहे हो। अरे गाय का नाम तो होता है कुछ ब्रांड। अरे ब्रांड बता तो रहा हूँ, ये देसी है। अरे देसी, इंडिया में 10 तरह की देसी गाय होती है। 10 तरह की नहीं होती देसी गाय, क्यों? एक वो होती है गिर गाय, वो अलग होती है। है तो देसी वो भी, छोड़ो यार। अबे ये क्या लिखा है बस के पीछे, कोरोना चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट, कोरोना की बस है ये।
भाई क्या कर रहा है, या तो मोड़ ले या चला ले, क्या जहाँ क्या रहा है ये, इंडिकेटर दे रखा है और गाड़ी चला रहा है, अब हमको क्या मालूम क्या करना चाह रहा है। देखो साइड देने की जगह तेज कर ली। आपने कभी नोटिस किया जो पीछे बैठा होता है वो इंडिकेटर होता है, वो बता देगा भाई यहाँ मुड़ना है वहाँ मुड़ना है, हाथ दे देगा चाहे आगे वाला बंदा मुड़े चाहे ना मुड़े, सिग्नल दे देगा कि मुड़ने वाले हम। कैडी लग रही है। आप पानी की बोतल से भी पानी पीते हो? पानी की बोतल से ही पानी पीते हैं। अच्छा, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा था, पेट्रोल पंप वाले ने 1200 रुपए ले लिए, पानी ठंडा मिला नहीं। तो आपने पैसे पेट्रोल के दिए थे ना, पानी के नहीं दिए थे? तो पानी की सुविधा तो देते हैं ना पेट्रोल वाले, तो दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं यार, ठंडे पानी की थोड़ी गारंटी है, पानी की गारंटी है नहीं दी ना। तो हम लोग हैं अभी परदेसी ढाबा में और यहाँ पर करने के लिए रुके हैं लंच। दाल मंगाई है, दाल खाएंगे, साथ में चाय पियेंगे, सड़ी गर्मी में चाय पियेंगे क्योंकि चाय के नशे बहुत ज़रूरी है। और अभी हमें 200 किलोमीटर और जाना है, तो देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। गर्मी से हालत ख़राब हो रही है भाई। अपनी हिमालयन जो है बहुत बढ़िया चल रही है, काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है यार, उसके अंदर जो टायर्स डले हैं उससे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। दाल मखनी में इतना घी नहीं है जितना महेश भाई के पराठों में, इसलिए ज़्यादा महेश भाई के साथ राइड नहीं करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। घी देखो घी भाई घर का है वो, तो घर का है तो क्या नहाओगे, घर का है तभी तो नहाना पड़ता है, बाहर का हो तो देख देख के यूज करना पड़ेगा, घर का ज्यादा खाया जाता है। तो हमने आनंदपुर साहिब जो है क्रॉस कर लिया है और फिर भाई साहब माउंटेन्स वाला रास्ता शुरू हो जाएगा ऊना से, खतरनाक वाला। अभी नंगल में हो सकता है हमें ट्रैफिक जाम मिले क्योंकि यूजुअली यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है। और रास्ता देखो यार कितना ब्यूटीफुल है, एकदम पेड़ ही पेड़ है चारों तरफ, बढ़िया लग रहा है नज़ारा। बस माउंटेन स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में, उसके बाद तो फिर पहाड़ी रास्ते शुरू हो जाएंगे नज़ारों वाले, और थोड़ी गर्मी शायद कम हो जाए, शाम भी हो जाएगी तब तक तो गर्मी वैसे ही कम हो जाएगी थोड़ी, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार। अब थोड़ा पेड़ वाला रास्ता आया ना तो अब अच्छा लग रहा है भाई, पानी कितना साफ है यहाँ पर। हम आ गए हैं कौन सा डैम है, भाखड़ा डैम, भाखड़ा नंगल डैम, और यहाँ पर ट्रेन आने वाली है कोई, फाटक बंद हो गया है, 2 मिनट लेट हो गए, बस 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं 10 सेकंड लेट हो गए, हमारे सामने फाटक बंद हुआ है। साबरमती दौलतपुर चौक, गुजरात से आ रही है गाड़ी, गुजरात जा रही है। ओ भाई बड़ी देर लगाई भाई, पानी का फ्लो तो देखो क्या खतरनाक है, ये देखो एक ना एक तो नज़र आएगा ये आपको हर शहर में ऐसा उल्टा आता हुआ। कौन लगेगा लाइन में, हटो ऊना सीधा जाना है, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड। तो भाई अब ये पंजाब हो रहा है ख़त्म और हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में एंट्री, ये है मेहतापुर। अभी दोपहर का टाइम है ना तो खाली खाली है मार्केट, शाम को यहीं पे जाम लग रहा होगा। ऊना रह गया 11 किलोमीटर, धर्मशाला 136 है। हम लोग पहुंचने वाले हैं चिंतपूर्णी माता मंदिर और अभी ना कोई यात्रा चल रही है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग यहां पर आए हुए हैं और लंगर भंडारे वगैरह भी चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी बढ़िया मतलब माहौल सब बना हुआ है यहां पर।
और हम पहुंचने वाले हैं चिंतपूर्णी माता मंदिर, थोड़ी सी दूर होगा 2-3 किलोमीटर। ये लोग बाइक पर आ रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोग, और गाड़ियों भर भर के लोग आ रहे हैं। देखो कुछ चल रही है यात्रा। तो टाइम हो रहा है 5:30 और अब लग रही है चाय की तलब, और हमें चाहिए अब चाय। तो चाय के नशे करने के लिए चाय की टपरी ढूंढ रहा हूँ मैं, अभी दिख नहीं रही, बहुत देर हो गई। ठाकुर ढाबा में रुक जाए, ये सही है। तो टाइम हुआ है 7:45, मतलब 7:45, और हम पहुँचे हैं अभी कांगड़ा। ये कांगड़ा का रास्ता है और ये कांगड़ा बाईपास है, तो हम जा रहे हैं कांगड़ा के अंदर से, और अभी 17 किलोमीटर और जाना है अपने को, लग जाएगा आधा घंटा इसमें भी। वाट लग गई, पीछे रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था यार। चलूँ? 8:00 और यहाँ पे आधी मार्केट जो है बंद हो चुकी है। यार पहाड़ में बहुत सही सिस्टम है यार, टाइम से लोग सो जाते हैं। पैसे कमाने की भागदौड़ इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब हाँ कमाना तो है ही सबको, देखो बड़े बड़े शोरूम खुल गए हैं तो कमा तो सभी रहे हैं, लेकिन टाइम ही गया भाई। आधी मार्केट बंद हो चुकी है 8:00 से पहले, और 9:00 तो मुझे लग रहा है पूरी बंद हो जाएगी। और मे बी हो सकता है कुछ डे ऑफ, वीकली ऑफ वाला सीन हो, आज फ्राइडे है, तो वो तो कांगड़ा के लोग ही बता सकते हैं। भाई कांगड़ा वालों कमेंट करो, क्या कांगड़ा बंद रहता है फ्राइडे को? सब लोग मूवी देखने जाते हैं क्या? यहाँ तो यार अच्छा ठंडा मौसम हो रहा है। अभी हम लोग जो है पहुँचने वाले हैं, 1/2 किलोमीटर रह गया, बिल्कुल जंगल वाला रास्ता है एकदम। करीब 500 किलोमीटर की राइड करने के बाद सीएट के ग्रिप एक्सेल प्लस सीरीज के टायर्स काफी अच्छे रहे। मडी स्लशी रोड पर भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। एंगुलर ब्लॉक पैटर्न की वजह से वेट सरफेस पर भी काफी अच्छी पकड़ थी, और आधे दिन हमने ड्राई कंडीशंस में राइड किया था और आधे दिन हमने वेट कंडीशंस में राइड किया, और दोनों ही कंडीशन में टायर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। तो इन टायर्स में स्टिफ साइडवॉल्स होने की वजह से पंचर होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, और इसकी लोड कैपेसिटी जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही अच्छे खासे लोड के साथ मैंने माउंटेन के कर्व्स पे राइड किया, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। तो ये नए ग्रिप एक्सेल प्लस टायर्स जो है, इनकी लाइफ जो है नॉर्मल टायर्स से काफी ज्यादा है, जिससे कि आप लॉन्ग राइड्स कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। और अगर आपको टायर अपग्रेड करने हैं तो आप नियरेस्ट सीएट शॉपी पे जाकर वहां पर अपने टायर लगवा सकते हो, और सीएट शॉप आपको पता ही हर जगह अवेलेबल है, हर एरिया में आपको मिल जाएगी इजिली, तो वहां जाके आप अपने टायर्स को अपग्रेड कर सकते हो। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं धर्मशाला में, और धर्मशाला में हम रुके हैं ड्रीम वुड्स में, यहाँ पर डॉर्मेट्री में रुके हैं आज, और इधर महेश भाई सो जाएंगे, इधर मैं सोऊंगा। तो अभी इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मुझे बड़ा मज़ा आया हिमालयन राइड करके नए नए टायर्स के साथ। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम करेंगे कहीं कैंप, और उसके लिए जंगल में बहुत अच्छी लोकेशन ढूंढ ली है आदर्श भाई ने, आदर्श भाई से भी मिलवाता हूँ, वैसे आप लोग मिल चुके हो पहले भी, और SJ व्लॉग से भी मिलवाता हूँ सुबह। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।